हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? अभी हम तैयार हो गए हैं और मैंने ये पहना है, कान में ये पहन लिया है। हल्का फुल्का सा तैयार हो गई हूँ क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गया है, बाहर हो रही है बारिश। हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से, शावर लेने गए हैं और इसके बाद बस हम झट से तैयार होके निकलेंगे। कोशिश ये है कि बस 15 मिनट में निकल लें। बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, मतलब हल्की फुल्की हो रही है। और अभी टाइम हो गया 9:30 बज रहा है और अभी हम बाहर निकलने वाले हैं। और आज हम अपनी 6 मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसी के लिए हम बाहर जा रहे हैं खाना खाने। और इतना ही कर पाएंगे, ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज छुट्टी का दिन नहीं था। तो बस हस्बैंड ने ऑफिस से ही मतलब बुक कर दिया था रेस्टोरेंट, तो वो मैं आपको वहाँ चल के ही बता पाऊँगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो बस अभी मिलते हैं वहीं पर। गाइस, तो अभी हम पहुंच गए हैं और बहुत ही खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है। और उसके बाद अभी हमने स्टार्टर ऑर्डर कर लिया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ना कि कैमरा चल नहीं रहा है या फिर इतना ब्लर क्यों आ रहा है। यहाँ पे तो इतनी अच्छी लाइटिंग लग रहा है। फिर हस्बैंड ने बताया कि मतलब लाइटिंग की वजह से ही ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो फिर बस मैंने फिर ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था, कैमरे को बंद कर दिया था और अच्छे से ना इंजॉय किया था आज का दिन। और उसके बाद मतलब लाइटिंग बहुत ज़्यादा थी ना, तो हर जगह से ना वो फ्लैश आ रहा था, तो कैमरे में वो लाइट पड़ती है ना तो फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है। उसके जस्ट अपोजिट साइड में बैठना पड़ता है ना, ऐसा तो था नहीं वहाँ पे हर जगह लाइटिंग की। और जिस टेबल पे हम लोग बैठे हुए थे उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से लाइट थी, मतलब बहुत फोकस था। तो अभी हमने खाना भी ऑर्डर कर लिया है और ये है कढ़ाई पनीर। अब देख सकते हो ना, बहुत ज़्यादा मतलब क्रीमी और एकदम टेम्पटिंग लग रही थी ना, और बहुत हॉट थी, तो गरम गरम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो हमने ना एक साथ में सब कुछ ऑर्डर नहीं किया है, अभी धीरे धीरे करके ऑर्डर करेंगे। जैसा हमारा मतलब जितनी भूख होगी उस हिसाब से हम एक एक करके डिशेस ऑर्डर करते रहेंगे। तो अभी हस्बैंड जो है ना मेरी प्लेट को ऐसे सर्व कर रहे हैं और उसके बाद चलिए मिलते हैं आपसे फिर। बाय।